देखते हैं आज की खास खबर। फेरों के बाद ससुराल वालों ने मांगा दहेज तो इंजीनियर दुल्हन ने उठाया बड़ा कदम। यह घटना ग्वालियर की दर्शाई जाती है जहां दहेज मांगने पर दुल्हन ने विदाई से किया इनकार, तोड़ी शादी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। जहां ग्वालियर में जीवाजी क्लब में एक विवाह समारोह के बाद उस वक्त हंगामा मच गया जब फेरों के बाद दूल्हा और उसके पिता ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। बार बार दहेज की मांग की जाने पर लड़की ने शादी के बाद दहेज लोभियों के यहाँ जाने से मना कर दिया है और दुल्हन के पिता ने भी विदा करने से इनकार कर दिया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। लड़की शिवांगी को पिता प्रसाद अग्रवाल ने विदा करने से इनकार कर दिया। लड़की वाले दतिया के रहने वाले हैं। विदाई से इनकार करने के बाद और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद लड़का और पिता लड़की वालों के पैरों में गिर गए। पापा की और भी जो एक्स्ट्रा उन्होंने 2 लाख रुपए हमारे, उन्होंने कहा था कि गोल्ड वगैरह देना, लेकिन वो हमारा 3 लाख तक वो हो गया है गोल्ड और मेरी ये जेल मतलब ये कपड़े वगैरह ये सब एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा। और आज भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी पापा ने कहा मतलब लगभग पूरा टोटल मिला के 15 लाख खर्चा हो गया होगा जीवाजी क्लब की बुकिंग के पैसे। और फिर अब पापा ने आज बात हो गई, रात भर से यही चल रहा है। मैंने सोचा सब कुछ सही हो जाएगा, सही हो जाएगी रात भर से। अब वो ये बोल रहे हैं कि पहले मुझे अटैची दिखाओ कि कितना आप दहेज दे रहे हो, मतलब कितना दे रहे हो, तब जाके हम लड़की की विदा करेंगे। मतलब इस टाइम पे कंडीशन आ गई कि लड़की अब विदा होने वाली है और आप कह रहे हो कि पहले लड़की की अटैची दिखाओ, किसकी अटैची में क्या क्या रखा है आपने। तो ये दहेज की डिमांड हो रही है, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसी डिमांड। मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि मेरे मम्मी पापा के लिए, हमारा कोई भाई नहीं है, चाचा वगैरह के हैं, कि मैं पास में ही रहूँ, दतिया ग्वालियर झांसी यहीं मेरी शादी, मैं दूर नहीं करना चाहती। और ग्वालियर में मेरी क्या दीदी है जो मतलब उन्हें थोड़ा कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, मुझे लगता था कि मैं उनके पास ही सिटी में रहूँ। और मुझे पैसों को लेकर इतना कुछ था नहीं हो कि मैं खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसों की ऐसी जरूरत, मैं खुद से कमा सकती हूँ। बट मैं और लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए, कि कभी वो डरे नहीं कि मेरी शादी पक्की होगी तो मैं ऐसे आज वो ये कर रहे हैं, कल जाके वो फिर कुछ डिमांड करेंगे। अभी भी वो कह रहे थे कि हमें कार चाहिए बाद में शादी के बाद, तुम जब जॉब करके आओगी तो पैसे दोगी तो तुम मेरी मम्मी को दोगे। और उन्होंने कहा कि अभी भी तो तुम्हारी सैलरी आती होगी, वो तुम मुझे दे देना। तो मैंने कहा मेरी सैलरी तो खर्च हो गई शादी। बोले ऐसे कैसे खर्च हो गई तुम्हारी शादी की सैलरी, तुम्हारी पूरी सैलरी। मैंने कहा मेरी तो खर्च हो गई शॉपिंग में। बोले अच्छा। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आईजी प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।